marine ecosystems the intertidal zone plus the contents the definition of intertidal zones environmental fluctuations in intertidal zone and plants and animal life present in intertidal zone so what are the intertidal zones are the intertidal we can say it is the ecosystem so it extends from splashes zone ऑफ ओशन टू द लो टाइड जोन यानी सिंपली हम कह सकते हैं कि अगर वाटर बॉडी की हम बात हैं तो एक वाटर बॉडी में वो पोजीशन जहाँ तक वाटर स्पलशस के फॉर्म में आ रहा है वेव्स की फॉर्म में आ रहा है वहाँ से लेकर लो टाइड जोन तक यानी अगर हम इसमें देखें तो जो ओशनस होते हैं उसमें पता है आपको टाइड्स आते हैं यानी कि जो मून की वजह से टाइड्स हैं तो उसमें एक टाइट जब हाई टाइड होता है तो वो वाटर जो तो होता है उसका लेवल आपको होता है और एक ख़ास पोजिशन तक चला जाता है फिर जब उसके बजाय लो टाइड होगा तो ये वाटर ऐसा था पीछे आता चला जाएगा और लो टाइड जोन वो होगा जहाँ वो मिनिमम पोजिशन है अब लो टाइड से लेकर वो पोजिशन जहाँ तक वाटर वेव्स जाती रही हैं वो सारे का सारा एरिया जो है दैट इज कॉल्ड द इंटर टाइडल जोन उसको हम जो है वो इंटर टाइडल जोन कहेंगे ये वो एरिया जहाँ वाटर परमानेंटली मौजूद नहीं है लेकिन फॉर टाइम बिंग मौजूद है फार टाइम बिंग मौजूद नहीं है सो दिस इज़ एक्चुअली द इंटर टाइडल जोन इफ़ यू टॉक अबाउट इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशन हेयर अगर हम इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशन की बात करें तो दिस इज़ दार्शेस्ट इन्वामेंट और दार्श कैन इट इज़ दारशस्ट एक्वेटिक इन्वायरमेंट तो सबसे ज़्यादा जो यानी कि हार्श एक्टिक इन्वायरमेंट है वो इंटरटाइडल जोन है हार्श किस रेफरेंस से है कि अगर जो टेरिस्टिल इन्वायरमेंट का इम्पेक्ट है वो डायरेक्टली यहाँ हो रहा है जैसे डे टाइम में अगर टेम्परेचर बहुत हाई है तो अल्टीमेटली इस यहाँ जो वाटर होगा वो लेट विल बी वार्म तो उसका जो है वो टेम्परेचर हाई होगा सिमिलरली यहाँ वाटर कॉन्स्टेंट नहीं है वाटर इज कमिंग वाटर इज गोइंग बैक तो इट अगेन द वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो फादर ऑल टाइम अवेलेबल नहीं है बट अलॉन्ग ऑल दीज कंस्टेंट्स दे आर द हाइस्ट नंबर ऑफ एनिमल स्पीशीज प्रेजेंट हेयर यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ रिचेस्ट जो है वो नंबर ऑफ स्पीशीज हमें यहाँ मिलेगी ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज जो हमें इस पोजिशन के ऊपर जा वो मिलेंगे तो अगर एनवायरमेंटल कंस्टिशन्स में अगर हम देखें तो दे टेम्परेचर फ्लक्चुएशन सर्फिंग सर्फिंग कहते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा जो फोमिंग जब होती है जाग बनती है तो उसकी दिस इज आल्सो प्रॉब्लम फॉर क्यूटिक एनिमल्स देन इफेक्ट ऑफ विंड इफेक्ट ऑफ रेन इज देयर इरोजन इज़ देयर इरोजन किस तरह से होगा कि जब इंटर ट्राइडल जोन के ऊपर जो सॉयल है वो बार बार इरोड करेगी तो वहाँ जो इनहेबिटेंट हैं दे विल बी इफेक्टेड सिमिलरली सेडिमेंटेशन इज देयर कि जब रेन वाटर आएगा तो बहुत सारा अपने साथ सेडिमेंट्स से लाएगा जो उसके सॉयल पार्टिकल्स होंगे वो जो सेडिमेंटेशन सेटल डाउन होगी तो जो एनिमल्स हैं दे विल बरीड इन सेडिमेंट्स दिस इज आल्सो द मेजर इशू टेम्परेचर फ्लक्चुएशन इज आल्सो द मेजर इशू फॉर द इंटरटाइडल जोन लाइफ इन तमाम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्टेंट्स के बावजूद अगर हम देखें तो दे द हाइस्ट नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रेजेंट इन दिस जोन अब इसमें से वाई द हाइस्ट नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स नंबर वन द न्यूट्रियस आर अबंडेंट इस एरिया के अंदर यहाँ पे न्यूट्रिय वो अबंडेंट मिलते हैं चूंकि यहाँ टेरिस्ट्रियल इन्वायरमेंट इंटरेक्ट कर रहा है जिसकी वजह से जो टेरिस्ट्रियल इन्वायरमेंट के न्यूट्रियट्स हैं दे आर अवेलेबल इन दिस जोन प्लांट्स में अगर हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल जी आर देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लार्ज प्लांट्स आर देयर मैग्रोवस मैग्रोवस का आप नाम सुना जैसे हमारे कराची के जो अगर हम देखें तो उसके जो कोस्ट लाइन है उसके ऊपर जो हैं वो मौजूद हैं सम एक वक्त था बहुत ज्यादा थे अब ये बहुत रिड्यूस हो चुके हैं तो मैंग्रोव्स जो होते हैं ये बेसिकली यहाँ जाओ मुझे मिलते हैं रेड एल जी इज़ देर रेड एल जी सी ग्रासीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये ग्रासेज होते हैं जो हमें जो है इसके इंटरटाइल जोन के ऊपर मिलेंगे अब और तो एनिमल लाइफ एनिमल लाइफ अगर हम देखेंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स आर रिपोर्टेड फ्राम हेयर अगर इसमें देखें जैसे फिशेस हैं फिशेस या फिर जो मोटाइल जैसे कुछ क्रैब्स हैं जब वो वाटर टाइड्स ऊपर आएंगी तो वो टाइडल इस इंटर टाइडल जोन में आ जाएंगे जैसे जैसे वाटर बैकवर्ड मूव करेगा वो सारे के साथ जो है वो वाटर के साथ ही वापस चले जाएंगे तो इसका मतलब वो ट्रांजिट टाइम के लिए जो वो दे आर कमिंग टू द इंटर टाइडल जोन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वर्टिव्रेड्स अब बहुत सारे इन्वर्टिड्स यहाँ मौजूद हैं और ज़्यादातर इन्वर्टिड्स वो हैं कि जब जैसे ही टाइड्स वापस जाएंगी दे विल बरो वो अपने बरूज में चले जाएंगे वो सैंड के अंदर अपने आपको या मड के अंदर अपने आपको जो है वो दफन कर लेते हैं इसलिए एव वी हैव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इंटरटाइडल जोन सॉइल तो देर अवज नंबर ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट इन दैट सॉइल तो सॉइल के अंदर हमें बहुत सारे नंबर ऑफ एनिमल्स जो है वो मिलेंगे तो इट मीनस ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं इंटरटाइडल जोन के वो अपने आपको बरी कर रहे हैं इसके अंदर थर्ड ऑप्शन जो एनिमल्स के पास है वो ये कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरियाज होते हैं जहाँ वाटर फा द टाइम बिंग आकर जो वो रुक जाता है तो यहाँ ये आकर वाटर फा द टाइम बिंग रुक जाएगा खड़ा हो जाएगा वहाँ फिर क्या होगा कि वो जो स्टैग थोड़े थोड़े वाटर के जो बन जाएंगे एक स्टोरेज वाटर होगा किसी रॉक के साथ थोड़ा वाटर जमा हो जाएगा वहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्थ्रोपोर्ट्स हमें मिल सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकानोड दे आर आल्सो रिपोर्टेड फ्रॉम दी वाटर जो वाटर थोड़ा सा जाओ वो किसी ना किसी जगह के साथ लॉकअप हो जाता है फोर्थ ऑप्शन फॉर द एनिमल्स इन द इंटर टाइडल जोन चौथा ऑप्शन जो एनिमल्स के पास है कि जब वाटर अवेलेबल नहीं है तो बहुत सारे शेल्ड एनिमल्स हैं दे क्लोज देयर शेल तो अपना शेल क्लोज कर लेते हैं जिसकी वजह से वो उनको ड्रॉट का जा या फिर ड्राइनेस का जा खतरा जा टल जाता है तो इसका मतलब है कि एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑप्शन नंबर वन इंटर टाइडल जोन के एनिमल्स दे मे वो मूव बैक अलॉन्ग विद द टाइड्स वो टाइड्स के साथ साथ वापस चले जाते हैं वाट जो है वो मेन वाटर बॉडी के अंदर फिशेस और बहुत सारे मोटाइल एनिमल्स दे डू दिस जॉब सेकंड वन दे मे बरी दैम सेल्फ इन टू द वाटर इन द मड मड और सैन के अंदर आपने आपको बरी करते हैं बहुत सारे इन्वर्टिट्स डू दिस जॉब थर्ड वन देर आर सम आइसोलेटेड वाटर कुछ ऐसे वाटर्स हैं जो क्या आता है कि जो वहाँ टेम्पोरेली स्टोर हो जाता है ये जो टेम्परेरीली स्टोरेज रीजन स्पेसिफिक वाटर होगा इट इज़ हैविंग आल्सो इन रिच लाइफ इसके अंदर बहुत सारे इंसेक्ट्स होंगे आर्थरोपोडस होंगे एरेक्नीट्स होंगे डिफरेंट टाइप्स के इवन समाइप ऑफ दर आल्सो देयर एंड द फोर्थ ऑप्शन दे आर फॉर मोलोसेक्स के मोलोसैक्स शेल्ड होते हैं तो जब वाटर टाइड्स अवेलेबल नहीं है वाटर अवेलेबल नहीं है दे क्रोज देयर शेल एंड सेव दैम सेल्स फ्राम द ड्रॉट कंडीशन